हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ये क्लोरोप्लास्ट जो बायोलॉजी का टॉपिक रहेगा, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज़ अ सेल ऑर्गेनल जो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, और ग्रीन प्लांट्स में चीफली इट इज़ फाउंड इन लीव्स। ये लीव्स के अंदर पाया जाता है, जहाँ जो लीव्स होती हैं। हालांकि कुछ जो छोटे प्लांट होते हैं जिनका स्टेम ग्रीन रहता है, उसमें भी ये पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्यों एसेंशियल है? हम जानते हैं, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ ही रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जरूरी है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, क्योंकि ये हीट को ट्रैप करता है। इट ट्रैप्स द हीट, हीट को ट्रैप करता है, जो हेल्पफुल है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन करके, उनको रीअरेंज करने के लिए, जिससे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। और साथ में कुछ प्लांट्स हैं जो प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन यूज़ करके कुछ प्लांट प्रोटीन का भी निर्माण करते हैं, तो वो हमारी जो नाइट्रोजन है वो भी हमें प्लांट से मिलती है। तो ये रिएक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, तो इसके लिए हमें पहले इसकी स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी। तो चलिए आज स्ट्रक्चर समझते हैं। आपके सामने जो ये पिक्चर लगी हुई है, ये क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले इसके आउटर स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, एक अलग मेम्ब्रेन है, और इसके अलावा एक और मेम्ब्रेन है जो अंदर की तरफ है, इनर मेम्ब्रेन। यानी दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, इट इज डबल मेम्ब्रेन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, डबल मेम्ब्रेन, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आपको ये स्पेस दिख रहा है, जो खाली स्पेस है। इन ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं, इनको भूल जाइए आप। इनके अलावा आपको जो खाली स्पेस दिख रहा है, इसको जानते हैं स्ट्रोमा के नाम से। और इसका एक और अदर नाम है, इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, उसको दोबारा लिख देता हूँ, इट इज नोन बाय द अदर नेम कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी इसके अंदर रिएक्शंस होती हैं, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रिएक्शन होने वाली है वो मैट्रिक्स के अंदर होती है। इसके अलावा आपको फ्लैटन डिस्क नुमा स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर देयर विच आर नोन बाय द नेम थैलाकॉइड। इनको थैलाकॉइड के नाम से जानते हैं, ओके। और ये थैलाकॉइड, जैसे आप सिक्के लीजिए, 5-5 रुपए के सिक्के लीजिए, और एक 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 के ऊपर एक लगाते चले जाएंगे, उसका एक पाइल्स बन जाएगा, है ना, उसकी पाइल्स बन जाएगी। उस पाइल को ना जानते हैं ग्रेना के नाम से। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसका पाइल्स है, और इसको हम ग्रेना के नाम से जानते हैं, सिंगल इस ग्रेनम के नाम से जानते हैं, और सिंगल ये ग्रेनम है, और सारे मिलके ग्रेना बना देते हैं। इसके अलावा ये जो ग्रेनम है, दे कनेक्टेड विद ईच अदर विद दिस स्ट्रक्चर। ये आपको दिख रही होगी, ये जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, इसको लेमेली के नाम से जानते हैं, ओके। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ये जो मैट्रिक्स है या स्ट्रोमा है, इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स। इट कंटेन्स एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। आपके मन में एक सवाल आएगा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एंजाइम्स ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एंजाइम्स वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, मगर खुद चेंज नहीं होते, उस रिएक्शन को स्टार्ट करा देते हैं, जो नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शंस होने सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, और हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होने वाली है, अगर हमको लेबोरेटरीज में कराएं तो उनके लिए कंडीशंस दूसरी रहेंगी, टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा। तो मगर इस 37.5 डिग्री सेल्सियस पे, यानी जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, उस पर आपको बायोकेमिकल रिएक्शन जो हो रही हैं बॉडी में, वो करानी पॉसिबल नहीं है। तो उसको कराने के लिए कुछ सब्सटेंसेस की जरूरत होती है, तो नेचर ने वो डेवलप की हैं, जिनको हम जानते हैं बायोकैटलिस्ट के नाम से। ये होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। तो ये एंजाइम्स आप इतना ही समझिए, अभी एंजाइम्स के बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो आप इसके में अभी सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, मैंने आपको समझा तो दिया है, इट इज़ अ डबल
मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बैकेंड में लिखिए आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनसाइड द मेम्ब्रेन, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, इनसाइड द मेम्ब्रेन द सेंटर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द सेंटर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फिल्ड विद मैट्रिक्स और स्ट्रोमा, इज फिल्ड विद मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। तो ये जो आपके सामने ये स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और स्ट्रोमा, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर थ्री, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस लिखिए, मेम्ब्रेनस मैं लिख दे रहा हूं, मेम्ब्रेनस सैक्स, एस ए सी एस, स्वेलिंग करके लिखिएगा, मेम्ब्रेनस सैक्स, एस ए सी एस, कॉल्ड द थैलाकॉइड्स। यहां पे देखिए ये थैलाकॉइड्स है, ये कॉल्ड द थैलाकॉइड्स कॉमा आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, इन द स्ट्रोमा। और अगर मैट्रिक्स मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो मैट्रिक्स भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट लिखिए, थैलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टॉक्स, थैलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टॉक्स, स्पेलिंग लिख दे रहा हूं मैं, स्टॉक्स लाइक द पाइल्स, पाइल्स, द पाइल्स ऑफ कॉइन्स, ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना, ग्रेना, यहां ग्रेना, ब्रैकेट में लिखिए सिंगुलर ग्रेनम। अगर एक होती है, एक पाइल होती है तो उसको ग्रेनम बोलते हैं, एक से ज्यादा पाइल्स होते हैं उसको ग्रेना बोलते हैं। इन एडिशन टू दिस देयर आर फिफ्थ पॉइंट, दैट विल बी द फिफ्थ पॉइंट, इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दिस देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमिली, और लेमिली आप लिख सकते हैं एल ए एम ई डबल एल ए ई, इसमें ई ऐड कर लीजिएगा, लेमिली, कनेक्टिंग द थैलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना, कनेक्टिंग द थैलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर सिक्स, सिक्स्थ पॉइंट, द स्टोमा ऑफ द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स, कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिक्वायर्ड फॉर द फोटो, फॉर द सिंथेसिस ऑफ, फॉर द सिंथेसिस ऑफ, required for the synthesis of
कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक। इसके बाद सेवंथ पॉइंट, अब इसके अलावा इसमें एक सर्कुलर डीएनए भी होता है, या आप अपनी फिगर में ऐड कर लीजिए अगर आपने फिगर ड्रॉ की है, इसमें एक सर्कुलर डीएनए भी होता है। साथ में सर्कुलर डीएनए के इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट होती है, इसकी अपनी प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट होती है क्लोरोप्लास्ट की, और इसमें अपना ही डीएनए होता है। तो सेवन पॉइंट यही आप लिख लीजिए। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम्स। अब क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल देखिए, आपको ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, इनको थैलोकोइड जानते हैं, इनके नाम इनके अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो एट पॉइंट हमारा यही रहेगा, आप लिख लीजिए पॉइंट नंबर एट। क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाकोइड्स, ये थैलाकोइड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दोस्तों ये था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाइजीनिक रहिए, सैनिटाइज रहिए। थैंक यू सो मच।